दर्शकों नमस्कार। आज हम आपको लाए हैं राजस्थान के बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर श्री नाथ द्वारा जी, और नाथ द्वारा में जहाँ श्री ठाकुर जी के दर्शन होते हैं साक्षात, वैसे ही हम आपको साक्षात दर्शन करवा रहे हैं एक ऐसे कारीगर द्वारा बनाई गई श्रीनाथ जी की विभिन्न मूर्तियों से, तस्वीरों से, जो कि देखते ही बोलती है, देखते ही दिव्य दर्शन होते हैं। और इन कृतियों की, इन कलाकृतियों की विशेषता ये है, देखने में आपको सामान्य चमकीली लगेगी, लेकिन इस पे सोने चांदी का काम है, हीरे जवाहरात का काम है, और बहुत सारे मानक मोती जड़े हुए हैं। आप देखोगे और आश्चर्य करोगे कि ऐसी कृतियां हिंदुस्तान में अभी भी बनती है। हम आपको मिलवाते हैं यहाँ के कारीगर से। और हाँ दोस्तों, आपको पसंद आए ये वीडियो तो आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और आगे से आगे वैष्णवों को, भक्तों को सब्सक्राइब करावे। मैं हूं आपका दोस्त ओम जोशी, आइए लिए चलते हैं। ये श्रीनाथ जी की तस्वीर है और इस पे तुलसी विवाह की ये तस्वीर है, देव की 11 और देव की 11 के दिन का ये जो दृश्य है। और देखिए ये कारीगर यहाँ किस तरह से काम कर रहे हैं, आपको देखते ही बनता है, एकदम सजीव मूर्ति है ये, जैसे ठाकुर जी साक्षात हमें दर्शन देने के लिए आए हैं। देखिए किस तरह से ये जवाहरात चिपकाए जाते हैं इस पे, कितना बारीक सा काम है, शायद हमारी नजरें इतनी बारीक बिना वेनाकुलर के, बिना दूरबीन के नहीं देख पाए, लेकिन आप देखिए ये काम कितना बारीक है। ये विभिन्न माणिक, विभिन्न पन्ने, विभिन्न जवाहरात और सोने का काम, प्योर सोने का काम, जरी का काम, माणक का काम, सब कुछ आप इसमें देखेंगे। ये देखिए ठाकुर जी की तस्वीर और ये कारीगर कितनी मेहनत से और बहुत ही तल्लीनता से अपना काम कर रहे हैं। और नाथ द्वारा में जो भक्त, जो वैष्णव आते हैं, वो इस तरह की तस्वीर जरूर खरीदते हैं, और खरीदे भी क्यों नहीं, साक्षात दर्शन होते हैं। आप देखिए, और ये स्वरूप है, वो अपने साथ ले जाते हैं अपने घर पर, इसकी स्थापना करते हैं, मंदिर में रखते हैं। देखिए ये छप्पन भोग के ये जो आप स्वरूप देख रहे हैं, ये 56 भोग का स्वरूप है। और ये कितना श्रृंगार है, कितना मिक्सर महीने की जो पूर्णिमा होती है उस दिन का ये ऐसे दर्शन, उस दिन ये ऐसे दर्शन होते हैं। ये देखिए कितनी बारीकी से कलाकृति को तैयार किया जा रहा है, और ऐसी कलाकृतियां हिंदुस्तान में बहुत कम मिलती है, क्योंकि ये हाथ जो कारीगर के हैं दिनों दिन लुप्त होते जा रहे हैं, दिनों दिन ऐसे कलाकार बहुत कम मिलते हैं जो इतनी बारीकी से ये काम करें। सब काम मशीनों से होने लग गया है, लेकिन अभी भी हिंदुस्तान में ऐसे ये महान कलाकार मौजूद है जो ये काम इस उम्र में भी इतनी बारीकी से, इतनी तल्लीनता से करते हैं कि जब ये स्वरूप बनकर तैयार हो जाएगा तो ऐसा लगता है कि ठाकुर जी हमारे पास आए हैं और हम ठाकुर जी के श्री चरणों में दर्शन करने आए हैं। ये पहले इस तरह से तैयार की जाती है, कच्ची, ये कहना चाहिए कि एक रफ कलाकृति, और इसके बाद इस पे श्रृंगार किया जाता है, इसको सजाया जाता है। देखिए ये एकदम सोने चांदी का काम, ये सोने का बरक है, कहना चाहिए सोने का घोल है जो इस पे आप पीले कलर में देख रहे हो, और बहुत कीमती कलाकृति भी है। और दोस्तों आइए अब हम आपको
इनसे मिलवाते हैं, परिचय करवाते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आपका शुभ नाम? जगदीश नाम है। जगदीश जी, हाँ जी, ये काम आप कितने वर्षों से कर रहे हो? मैं तो करीब 57-58 साल से कर रहा हूँ। अच्छा। लेकिन मेरे पिताजी, उनके पिताजी, अच्छा, यहाँ खूबीराम जी ने, खूबीराम जी इस काम की शुरुआत की थी जी। उसको करीब 154 साल, 155 साल, अच्छा, हो गया। 155 वर्ष से खूबीराम जी का ये काम, चौथी पीढ़ी में है आप? मैं चौथी पीढ़ी में ये काम कर रहा हूँ। खूबीराम जी के पिताजी ने यहाँ काम चालू किया जी। मैं चौथी, मेरे पिताजी राजेंद्र जी, जी, और मैं चौथी पीढ़ी में ठाकुर जी का स्वरूप बना। वाह वाह वाह, मतलब आपके परदादा ने ये काम शुरू किया था, परदादा, और अभी तक ये काम चल रहा, चल है, चल रहा है। और हमें ये भी बताएं जी, हमें ये भी बताएं, ये देखिए राधा कृष्ण का मनमोहक स्वरूप। वाह वाह वाह, मतलब आप हमें ये बताएं कि ये आपकी कृतियां कहाँ कहाँ तक जाती है? सब जगह जहाँ पर वैष्णव है जी, भारत में सब जगह, विदेशों में जहाँ जहाँ भी भारती है, वहाँ सब जगह स्वरूप वो वैष्णव ले जाते। अच्छा, भारत में और बाहर भी ये कृतियां? सब जगह। अच्छा, सब जगह पूरी दुनिया में जी। अब ये बताओ कि ये जो आप कलाकृति बना रहे हो, इस पे क्या क्या, कौन से हीरे जवाहरात, सोना या क्या क्या आपने लगाया है, ये हमारे दर्शकों को बताएं आप। ये पीला पीला सोने का वर्क चिपकाया है जी। ये प्योर गोल्ड होता है, उसके वर्क बनते हैं, ये चिपकाए। अच्छा, सोने का। ये कांच के नंग है। अच्छा। ये कांच के टुकड़े, ये सब बाहर से कटिंग हो के आते हैं, और ये कांच के टुकड़े सब नगीने चिपकाए हैं। अच्छा। और पेंटिंग की कीमत ज्यादा है, नगीनों का इनका कोई महत्व नहीं है। जी जी, पेंटिंग मूल तो पेंटिंग है, पेंटिंग की कीमत है। अच्छा। मुखारबिंद देखकर अपने को क्या फीलिंग, हाँ, वो सबसे बड़ी पिक्चर की खूबी है। वाह वाह, बिल्कुल साहब, देखते ही बनता है ठाकुर जी का जो आपने ये स्वरूप बनाया है। अच्छा, वैसे तो हमें नहीं पूछने का अधिकार है, लेकिन एक बात जानना चाहेंगे, हमारे लाखों दर्शक भी जानना चाहेंगे कि ये जो कृति बनकर जब तैयार हो जाएगी तो इसकी कीमत लगभग कितनी रहेगी? 36,500 रुपए की ये रहेगी। फ्रेम के साथ जी, फ्रेम के साथ, के साथ। अच्छा, कितने बाई कितनी है, साइज क्या है इसकी? चौड़ाई 33 इंच है जी, और ऊंचाई 45 इंच। ठीक है, 45 इंच ऊंचाई है इसकी, हाँ, और 36 चौड़ाई है, हाँ, 36 इंच। वाह वाह, तो आप हमारे दर्शकों को नाथद्वारा आने के लिए, यहाँ दर्शन करने के लिए, कलाकृतियों को निहारने के लिए क्या कहना चाहेंगे? वैष्णव आवे, ठाकुर जी से दर्शन करे, लाड लड़ावे। वाह वाह, और अपना जीवन सफल करावे। बिल्कुल साहब, मैंने तो स्वयं ने अभी अभी दर्शन किए हैं, आरती के दर्शन किए, श्रीनाथ जी के और मदन मोहन जी के शयन के दर्शन किए, तो मैं तो अभिभूत हो गया और गदगद हो गया। मेरे तो मतलब एकदम भावनाओं, इतनी भावनाएं जागृत हो गई कि इससे बड़ा सुख दुनिया में, इससे बड़ा स्वर्ग हो नहीं सकता। तो मित्रों, ये जो कलाकृतियां हमने आपको बताई है, ये यहाँ नाथद्वारा में डाया भवन में जो स्थित है, खूबीराम जी का एक प्रतिष्ठान है, वो ये तैयार करते हैं। और देखिए कितनी बारीकी से तैयार कर रहे हैं, ये श्रृंगार, ये सजावट, ये सुंदरता ऊपर जड़ रहे हैं। कहना चाहिए कि जो डायमंड्स, अमेरिकन डायमंड्स है, कांच के टुकड़े हैं, और विभिन्न तरह का ये जो काम है उसको ये कारीगर कर रहे हैं। धन्य है इनके हाथ, इनकी कारीगरी, इनकी कला। और देखिए, केवल हीरे जवाहरात सोना चांदी ही नहीं, ये पेंटिंग देखिए, सूरदास जी की लाडले लाल को किस तरह से ये दुलार रहे हैं, आराध्य कर रहे हैं अपने भजनों से। और ये सूरदास जी कृष्ण भगवान को अपना कीर्तन सुना रहे हैं। और श्रीयंग पर क्या धारण किया जी, होते हुए भी रोज
वो भगवान कृष्ण का अलौकिक स्वरूप बिल्कुल वृंदावन बिना चक्षु के बिना नयन के और उनको कीर्तन गा करके ठाकुर जी को पूरा कीर्तन सुना के वो दृश्य है। वृंदावन और मथुरा के गलियारों में जब सूरदास जी बचपन से ही कृष्ण भगवान को आराधते थे, बिना चक्षु के देखते थे और भजन करते थे, और इनके घर वालों ने भी इनको कथा करने के लिए छोड़ दिया था, और अपनी टोलियों के साथ इन्होंने जो भक्ति रस की धारा बहाई है हिंदुस्तान में, आज भी हम याद करते हैं श्री सूरदास जी को। तो दोस्तों, आपको ये जरूर कृतियां पसंद आई होगी, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हम इसी तरह की कलाकृतियां, कला, संस्कृति, इतिहास और साहित्य से जुड़ी हुई चीजें आपको हमारे चैनल पे बताते रहते हैं। मैं हूं आपका साथी ओम जोशी, अब आज्ञा दीजिए, अगले फिर किसी एक नई जानकारी के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार, जय श्री कृष्णा।